है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और मैं अमित माने और अमित फिटनेस चैनल पर आपका स्वागत है गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में हम काप्स के ऊपर बात करेंगे। काप्स का वर्कआउट बताऊंगा मैं एकदम सही तरीके से, एकदम प्रॉपर तरीके से, जो कि आपकी काप्स मसल को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। और ये आप कहीं पर भी कर सकते हैं, बस एक बात का ध्यान रखना, थोड़ी सी ऊँची जगह होनी चाहिए क्योंकि हमारे काप्स मसल अच्छे से स्ट्रेच हो पाए। काप्स मसल एक ऐसा मसल है जो कि सबसे ज़्यादा आप शॉर्ट्स पहनते हो ना तो काफ मसल ही हमारा दिखता है। और गाइस काफ मसल और लेग मसल्स पे कोई वर्क ही नहीं करता है आजकल, ज़्यादा वर्क नहीं करते, सब अपनी अपर बॉडी बनाने में लगे, बाइसेप, शोल्डर, बैक, पन लोअर पार्ट पे कोई ध्यान नहीं देता है। कितनी बार मैंने जिम में देखा है गाइस, कितने ही बंदे ऊपर से तो एकदम चौड़े से रहते हैं पर नीचे से एकदम पतले से रहते हैं, तो ऐसा बॉडी में फील नहीं आता, मज़ा नहीं आता बॉडी में। ऐसी बॉडी किस काम की जो आप ऊपर से चौड़े दिखो और नीचे से पतले। तो गाइस काप्स मसल भी हमारी बॉडी का ही एक हिस्सा है, उसे भी हमें ट्रेन करना जरूरी है। तो गाइस आज यही वीडियो में मैं आपको सही तरीका बताऊंगा काप्स मसल को डेवलप करने का। और गाइस अगर आपने थाइस वर्कआउट पे मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो गाइस हम बिना टाइम वेस्ट करे आपको स्टार्ट करते हैं काप्स मसल की एक्सरसाइज। मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है, और इसे आपको ज़रूरी नहीं कि वेट से मारोगे तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जोर पड़ेगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ अगर उस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज करी तो डेफिनेटली एक महीने में आपको आपकी काप्स में डिफरेंस देखेगा। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कोई एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी मसल की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उस मसल की स्ट्रेचिंग पहले ज़रूर कर लें ताकि वो थोड़ी सी रिलीफ हो जाए और आपको एक्सरसाइज करने में और ज़्यादा हेल्प मिले। कैसे करनी है हमें एक्सरसाइज, सबसे पहले तो हमें ऐसे ये रखना है, ठीक है, और डाउन होना है। उसके बाद इसे ऐसे एड़ी को रखना है और इसे टच करना है और ये काफ मसल से रिलीफ हो गया। तो यही चाहिए अदर साइड से करनी है। उसके बाद ऐसी कोई जो ऊंची जगह है उस पर ऐसा आपको ले रखना है, तो ये हमारी स्ट्रेचिंग हो गई। आज आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो हमें क्या करना है, ऐसी ऊंची जगह पे जैसे हमें हमारे जो पंजे है वो इस साइड होनी चाहिए और हमारी जो एडी है वो बाहर की साइड निकली होनी चाहिए गाइस। तो अब हमें क्या करना है, किसी चीज़ का सपोर्ट ले लें, क्योंकि जब आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच करते हैं तो आपका सही से बैलेंस बन नहीं पाता, जो आप नीचे जाएंगे तो आपका सही से बैलेंस बन नहीं पाएगा। इसके लिए आप किसी चीज़ का सपोर्ट ले लें, जैसे मैंने इधर साइड में पकड़ रखा है थोड़ा सा। तो आपको क्या करना है, दोनों पैर अपने घुटने के बराबर, मतलब अपने दोनों पैर शोल्डर के लेवल में थोड़े से चौड़े कर लें जिससे आपके शोल्डर चौड़े हैं। उसके बाद दोनों एकदम सामने की ओर रखें और एकदम नीचे की साइड पूरा स्ट्रेच करना है आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, और फिर स्लोली ऊपर की साइड स्ट्रेच करना है। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं हाई लेवल तक उतना स्ट्रेच करना है, फिर नीचे करना है स्ट्रेच अच्छे से, फिर वापस थोड़ा स्लो करें। पर जब नीचे और ऊपर अपन स्ट्रेच करेंगे तो एकदम हाई लेवल तक स्ट्रेच करना है, हमें जितना ज़्यादा हो सके स्ट्रेच करना है। इसके हमें 4 सेट करने हैं और 12 से 15 रिपीटेशन करनी है गाइस। तो ऐसे आप जब करोगे 12 से 15 रिपीटेशन और 4 सेट तो आप खुद अपने काफ मसल में चेंजेस देख लोगे, एक हफ्ते में आपको चेंजेस नज़र आएंगे आपकी काफ मसल में, ठीक है। ये तो गाइस होगी एक एक्सरसाइज। गाइस दूसरी एक्सरसाइज में क्या करना है हमें कि एक्सरसाइज सेम ही रहेगी, बस हमें चेंज कर देना। अभी हम दोनों पैर से कर रहे थे, अब हम एक लेग से करेंगे। तो एक लेग से कैसे करना है, हमें सपोर्ट के लिए हल्का सा पकड़े, ज़्यादा वो नहीं दे, ये तो आपके एक लेग से हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रेशर आए, हमें हल्का सपोर्ट लेना है, ठीक है। एक लेग हवा में रखना है, फिर उसी तरीके से जैसे मैंने बताया था डाउन और फिर अप, फिर डाउन और फिर अप, पूरा स्ट्रेच करें डाउन फिर आप, फिर अदर साइड से करना है हमें सेम, डाउन जाना है हमें,
तो गाइस ये दो एक्सरसाइज है। इस दो एक्सरसाइज को आप प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने बताया, एकदम स्लोली अच्छे से मसल को स्ट्रेच करना है। जब आप नीचे जाओ, जब आप ऊपर जाओ, तब भी आप मसल को अच्छे से स्ट्रेच करना है। तो इस तरीके से आप अगर वर्कआउट करोगे तो एक महीने के अंदर ही अंदर आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। आपकी काफ मसल में डिफरेंस मिलेगा, आपकी काफ मसल अच्छे से ग्रो होंगी, अच्छे से बढ़ेंगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और गाइज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।